रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। WHO ने भी कह दिया है कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान और निदान भी नहीं। ये वो नीतीश कुमार हैं जिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो कोरोना का उपहास किया। आपने आप कहीं वो विधानसभा बिल्कुल आपने ही कवर किया था और वो पूरे एपिसोड में। पर रवि एक बात बताना चाहेंगे कि जितना भी अग्रसूची नीतीश कुमार हैं पर इस कोरोना संक्रमण के दौरान उनके सारे सोच असफल था। लेकिन आप ही के मंत्री अगर कहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रोजगार दे दिया तो कितना बड़ा उपहास कर रहे हैं आप उन लोगों का। आप चाहते तो एक दिन में 100-100 ट्रेनों से लोगों को ला सकते पर ऐसा नहीं हो। आप अलग अलग जगह पर लोगों को उतार सकते लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। आप देख रहे हैं रातों रात, सुबह उठ चुके हैं आप और ये भारत लाइव पर आपका पहला प्रोग्राम है और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि कल तक लॉकडाउन 3 खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब लॉकडाउन 3 समाप्त हो चुका है। अब आज से नई सुबह है और नया लॉकडाउन आज स्टार्ट होने वाला है, लॉकडाउन 4.0। केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइंस इसमें जारी कर दिए हैं, राज्य सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर चुका है। अब बाबा से हम बातचीत करेंगे कि बाबा, जिस तरह से लॉकडाउन 4 आ गया, स्टार्टिंग में पहले बिहार में जनता कर्फ्यू लगता है, फिर लॉकडाउन 1 आता है, लॉकडाउन 2 आता है, लॉकडाउन 3 ख़त्म हो चुका कल, लेकिन आज से लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने वाला है, क्या कुछ नई बातें हैं बाबा इसमें, ये बताइए। रविश, सबसे पहले तो लॉकडाउन 4 की ज़रूरत क्यों पड़ी जी, जबकि WHO ने भी कह दिया है कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान और निदान भी नहीं है। अब आपको इस बीमारी और महामारी के साथ अपने आप को यूज टू कर लेना चाहिए। अब ये मान के चलना चाहिए कि ये महामारी आपके साथ लंबे समय तक रहने वाली है। हम इसीलिए इस बात को आज कह रहे हैं रातों रात में कि आखिर मोदी से ज़्यादा क्यों लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं बिहारी जी, नीतीश के लॉकडाउन का। आप लगातार देख रहे हैं कि सबसे पहले नीतीश कुमार सबसे आगे बढ़ करके, जब बिहार में कोरोना संक्रमण कम था तब भी और जब कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बिहार में बढ़ने लगा तब भी नीतीश कुमार एक ही स्ट्रेटजी पर चल रहे थे और वो है कि लगातार वो लॉकडाउन की बात कर रहे थे। ये वो नीतीश कुमार हैं जिन नीतीश कुमार ने सबसे पहले तो कोरोना का उपहास किया था जी। आपने आप कहीं वो विधानसभा वाली बिल्कुल बात आपने ही कवर किया था और वो पूरे एपिसोड में जिस तरह से हमने देखा था तो ऐसा लगा था कि नीतीश कुमार अग्रसोची नहीं है, जबकि राजनीतिक रूप से और अन्य कारणों से नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। पर रवि एक बात बताना चाहेंगे कि जितना भी अग्रसोची नीतीश कुमार हों पर इस कोरोना संक्रमण के दौरान जी उनके सारे सोच असफल साबित हो रहे हैं। जो भी नीति और नियम नीतीश कुमार ला रहे हैं उसे बदलने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद अपने आप में संतुष्ट नहीं है या फिर वो रास्ता भटक गए हैं जी, राजनीतिक रूप से भी और इस संक्रमण के दौरान भी। बार बार नीतीश कुमार पर उंगलियाँ उठ रही हैं, वो अपनी ही नीतियों से बार बार असफल साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना संक्रमण के दौरान 4 तारीख से लोगों को लाने का सिलसिला चालू हुआ। इससे पहले क्या कुछ हुआ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि क्यों नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने कहा कि लोगों को वापस नहीं लाएंगे, पर जब लाने का सिलसिला शुरू हो गया जी तो अभी तक मात्र 18 तारीख आ जाए और 18 तारीख में 14 दिन होते हैं जी। इन 14 दिनों में आपने 2 लाख लोगों को लाया, सब क्वारंटाइन सेंटर में है, 21 दिनों का क्वारंटाइन करने की आपने बातें कही थी जी, और उस क्वारंटाइन सेंटर में जिसमें से बहुत सारे छात्र भी होंगे जी, हम उनकी गणना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही के मंत्री अगर कहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रोजगार दे दिया तो कितना बड़ा उपहास कर रहे हैं आप उन लोगों का। हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि मोदी नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं बिहार के लोग जी। और रब से ये भी है कि लॉकडाउन है तो उसमें आपने उन्हें काम दिया कहाँ, वही बात है रवि, ऐसी कौन सी योजना आप चला रहे हैं, ये आखिर झूठ क्यों आप बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि आपने
बहुत सारा प्रयास किया, आप लगातार प्रयास कर भी रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत हम लोगों को रोजगार देंगे, हम जल जीवन हरियाली के तहत लोगों को रोजगार देंगे, हम सात निश्चय योजना के तहत लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ये सब स्थितियाँ तब पैदा होगी जब ये क्वारंटाइन सेंटर से लोग निकलेंगे। इससे पहले आप सोचिए कि लगातार लोग आ रहे हैं, आने का सिलसिला जारी है। आप चाहते तो एक दिन में 100-100 ट्रेनों से लोगों को ला सकते थे, पर ऐसा नहीं हो रहा है जी। आप अलग अलग जगह पर लोगों को उतार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपके पास संसाधन नहीं है, आप क्यों लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ाना चाह रहे हैं, जबकि WHO ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जब तक कोरोना की दवा नहीं निकलती है या उसका वैक्सीन नहीं निकलता है, ये एक लंबा पीरियड तक चलने वाला संक्रमण है जी। और बीमारियों की तरह आपको इसको भी अपना लेना होगा। जैसे एड्स आया था तो आपने सुना होगा कि उसकी कितनी बड़ी चिंता लोगों को हो रही थी और कितना उसके प्रति लोगों का सोच था कि इससे आदमी तुरंत मर जाता है, ये होता वो होता है, लेकिन उसके साथ लोग जीना शुरू कर चुके हैं जी। अपने अपने हिसाब से लोग उसकी रक्षा भी करते हैं, कैसे उससे बचना है उसकी जानकारी भी लोगों ले रहे हैं। अब स्थिति ये है कि बार बार नीतीश कुमार लॉकडाउन से खुश क्यों हो रहे हैं या लॉकडाउन क्यों रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतियों में कमी की वजह से। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हमने बार बार कहा है कि इस दरमियान लॉकडाउन के दरमियान कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें राजनेता जो विरोधी हैं वो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कितनी बातें कहेंगे और सोशल मीडिया पर कितने ये मजदूर हैं जो एक्टिव हैं। इसमें से अगर एक आंकड़ा जो सरकार ही बता रही है या विपक्ष बता रहा है उसको हम 50 लाख का आंकड़ा अगर मान के चलते हैं कि 50 लाख लोग प्रवासी हैं, तो उसमें से मान के चलिए कि 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो भारत लाइव नहीं देख पा रहे हैं। भारत लाइव देखने वालों की संख्या बहुत सीमित है। कारण और भी सोशल मीडियाज हैं जिनको लोग नहीं देख पा रहे हैं, वो मजदूर वर्ग नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उस मजदूर के पास एक छोटी सी मोबाइल है, किसी के पास तो वो भी नहीं है, न उसके परिवार परिजनों के पास इस तरह का कोई सुविधा है। जो लोग रोजगार करने नहीं, काम करने नहीं, बल्कि रोटी के लिए आपके यहां से जा रहे हैं, वो किसी तरह से अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। पिछले 50 दिनों से ऊपर हो गए और आपने खाने तक का उनकी व्यवस्था नहीं किया। आप आंकड़ों से खेल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 19 लाख से ज्यादा लोग हमारे बिहार भवन में रजिस्ट्रेशन करा करके उन लोगों की सुविधाएं, उन लोगों को सुरक्षा, उन लोगों को विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधान हम कर दिए। आप दूसरी तरफ गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जो 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री ने योजना लागू किया, उस योजना के तहत रवि उसको भी बताने में प्रधानमंत्री 1 में आए, 2 में आए, 3 में क्यों नहीं आए, 4 में क्यों नहीं आए, उन्होंने दूसरे के द्वारा क्यों इसकी घोषणा करवाई, आखिर इसमें कोई ना कोई राज तो होगा। और हमारे नीतीश बाबू जो कि हमारे मुखिया हैं, वो तो एक बार भी बाहर निकल करके नहीं आया, अपील नहीं किया बिहार के लोगों से, वो सिर्फ अपनी योजनाएं बता रहे हैं कि लोगों से ये कह रहे हैं कि लोग पैदल ना चलें, लोग ये नहीं करें। लोग आप इसके लिए अलग अलग राज्यों से बात कर सकते थे, आपके नोडल अधिकारियों का फोन नहीं लगता है, नोडल अधिकारी कैसे संपर्क कर रहे हैं किसी राज्य के वहां के नोडल अधिकारी से, ये पता नहीं चल रहा है जी। लोग अभी भी परेशान है कि उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया वो परेशान है कि हमें कोई पर्ची नहीं दी गई है, हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, आखिर इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा। तो कहीं ना कहीं रवि हम पूरी तरह से इस बात को कह रहे हैं और ये पूरा हम अपने होशोहवास में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीतियां जो हैं उन नीतियों के कारण बिहार के लोगों को लॉकडाउन का दंश ज्यादा झेलना पड़ रहा है। बिहार के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है अलग अलग राज्यों में, उसकी सारी तस्वीरें हमारे आपके पास हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, माध्यम पे हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। आप खुद इस बात को तस्दीक कर रहे थे कि पंजाब में किस तरह से बातें हो रही है, जब हमने श्रमिक नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत बात है और अगर ऐसा है तो मैं कांग्रेस की सरकार से जरूर इस पर पूछूंगा और ऐसे अधिकारियों को दंडित भी करवाऊंगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने उनसे जब दोबारा बात की तो वो अधिकारी दंडित भी हो गए हैं, उस फैक्ट्री मालिक पर कार्रवाई भी करने की बात चल रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये समस्याएं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, इन सब बातों पर अगर चर्चा करें रवि तो जो पहले था वही है, सिर्फ एक इसमें अमेंडमेंट मुझे लग रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इंटर स्टेट जो है बस परिचालन और छोटी छोटी गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। इस बीच में एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि सरकार ने बिना सोचे समझे जी, बिना किसी प्लान के, ठीक है महामारी बड़ी थी लेकिन जब आप ट्रंप के लिए
जब आप किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए इंतजार कर सकते थे, तो क्या लोगों के खाने पीने का इंतजाम, राहत की व्यवस्था करके और सही ढंग से लोगों को समझा करके आप इस व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते थे, लॉकडाउन नहीं कर सकते थे? लेकिन आपने कहीं ना कहीं तैयारियां नहीं की, और खास करके नीतीश बाबू, आपने ये जानते हुए कि बिहार के लोग कितना ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे इस लॉकडाउन में, आपने कोई तैयारी नहीं की, और इस तैयारी नहीं करने का दंश था कि जो बिहार के लोग आज झेल रहे हैं। और इसी कारण से हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार के लोग मोदी के लॉकडाउन से नहीं, नीतीश कुमार के लॉकडाउन से ज़्यादा परेशान हैं। तेजस्वी यादव चाहे जितना भी चिल्ला लें, कुछ भी कर लें, आप नहीं सुनने वाले हैं। मदन मोहन झा लगातार चिल्ला रहे हैं, आप कुछ नहीं सुन रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार आप पर तंज कस रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं जी। पप्पू यादव दिल्ली में बैठकर आपको गाली दे रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। मुकेश सहनी अपने लोगों को लगा करके लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को किस तरह से बचा लिया जाए, किस तरह से राहत पहुंचा दिया जाए, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं जी। आखिर किसकी सुनेंगे आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं, और आपकी बीजेपी नहीं सुन रही है। यही कारण है कि बिहार के लोग लगातार दंश झेल रहे हैं। रवि, जिस तरह से बाबा कई दृश्य हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी लोगों को दिखाया, क्वारंटाइन सेंटर में हमने दिखाया, स्टेशन के बाहर हमने दिखाया कि स्टेशन में गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन स्टेशन के बाहर वही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। स्टेशन के अंदर मतलब पहले आप कोरोना लेके जाइए। रवि, आपने जो बताया कि आंकड़े 1200 से पार होकर के 1300 के करीब पहुंचने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि बिहार सरकार पूरी तरह से असफल है बीमारी को रोकने में भी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने। बाजारों में आप चले जाइए और देख लीजिए क्या स्थिति है। लोग अब यूज टू हो गए हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि कोरोना से बड़ा महामारी भूख है, और भूख के लिए लोग सड़क पर उतर चुके हैं जी। तो कैसा लगा आपको आज का ये शो, जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और आपको आज के जो हमने पॉइंट्स रखे हैं इस रातों रात में, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिए, हम सारे कमेंट्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे और साथ ही जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।